ओह कनेक्शन निकल गया जी यहां से। लाइए मैं लगा देता हूँ। हाय मैम। हेलो मैम, फूल मुरझा गए। तो मैं क्या करूं? मैं पानी डालूं फूलों पे या खुरपी लेके डालूं खाद? और तुम आई हो फूल मुरझाने के बाद? गुलगुले, आई गिव यू फॉर दिस लाइन दांत। ओह बाबा, हुजूर हुजूर, यहाँ फूल मुरझा गए और आप कवि सम्मेलन कर रहे हैं? तो आप क्या चाहती हैं, हम क्या करें? आइटम डांस, छिछोरा बनने जी। तो जी मोहतरमा, तो आप क्या चाहती हैं कि हम यहाँ पर कवि सम्मेलन ना करें? तो क्या अखिल भारतीय नृत्य सम्मेलन करें? हेलो, सम्मेलन तो मेरी खुशियों का हो गया, मेरे अरमानों का हो गया, मेरी उमंगों का हो गया, मन की तरंगों का हो गया, और थारे आने से मनोरंजन इन लफंगों का हो गया। वाह मैडम, वाह वाह, ये क्या कहा है मैडम आपने, वाह वाह, ये तो वही बात हो गई, मतलब वैसा ही हो गया जैसा गेंदा गदरीली की महफिल में पान, मतलब जैसे सोने पे सुहागा सुई में धागा। वेल, निकाह में थी सलमा आगा। वो बुढ़ाऊ को सलमा आगा याद आ रही है? या मॉम, आई लाइक हिम। हर या दिस वन मॉम, मुझे आज भी याद है जब ये निकाह फिल्म बाहों का अंधेरा सिनेमा हॉल में लगी थी। किसमें? जो बाहों का अंधेरा फिल्म का नाम है, सिनेमा हॉल का नाम है? या दिस इज द सिनेमा हॉल इज द जो है इन नैनीताल इज द कंफ्यूजन। मॉम, मैं सिर्फ सलमा आगा को देखने के लिए ना जी चारों के चारों शो देखा करता था जी, और उस फिल्म का वो गाना दिल के अरमा जी आंसुओं में बहगे जी, दैट वॉज वेरी पॉलिस्टर पॉपुलर। या दिस वन मैम, यहाँ मेरे अरमान आंसू में बहे जा रहे हैं, उसका इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। फूल मुरझा गए। अरे क्या कर रही हैं आप यहाँ पर, इतने पॉपुलर गाना, मतलब दिल के अरमा की बात करें और बीच में यूं ही आप भी। दिल के अरमा नहीं, दिल के शर्मा। गप्पू शर्मा। थारा नाम गप्पू शर्मा से? नहीं नहीं, वो नमस्ते मैडम, मैं हूँ भिंडी, गोल है मेरी बिंदी। ओ, आपका नाम भिंडी है? मतलब आपकी मम्मी का क्या नाम है, मटर? नहीं, मम्मी का नाम है गुइया, डैडी का नाम है कटहल, मेरा जो छोटा भाई है उसका नाम है कुंदरू, और मेरी छोटी बहन है ना सबसे छोटी, उसका नाम है गोभी। कौन सी गोभी, फूल गोभी या पत्ता गोभी? अबे यार, इतना डिबेट हो रहा है टॉपिक से, तू गोभी का जो है आलू बन के जो है कढ़ाई में बैठ ले, गोभी के संग डंठल बन जा तू, तड़का बन जा तू, धनिया की तरह छिड़क जा तू, एक जो है थाली का एक व्यंजन बन जा तू। अबे बोल ना यार, हाफ टिकट। ओके मैडम, बात यह है कि मेरे होने वाले हस्बैंड है ना गप्पू जी, मैडम वो हर चीज हर काम अपने दोस्त चप्पू के पूछने पे ही करते हैं। मैडम पता है क्यों? क्योंकि उनके दोस्त चप्पू ने उन्हें कह दिया है कि उसे ना खुली आंखों से फ्यूचर दिखाई देता है। फ्यूचर माय फुट। मैडम मैडम, 100 डेज मैडम, मैडम माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई थी 100 डेज, उसमें भी ऐसा ही होता था, माधुरी दीक्षित एकदम फ्यूचर देख सकती थी, वो बता सकती थी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैम हालत ये है कि मेरे होने वाले वो हर चीज चप्पू के कहने में आके करते हैं ना, उससे मेरी नाक में दम हो गया मैडम। मैम मैंने गप्पू जी से कहा, गप्पू जी मेरी छुट्टी है, चलिए मुझे फिल्म दिखा लाइए प्लीज। तो मैम चप्पू ने कहा, गप्पू मैं खुली आंखों से तुम्हारा फ्यूचर देख रहा हूँ, तुम इसे फिल्म दिखाने के लिए मत लेके जाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हाँ अगर इन्हें फिल्म देखने जाना ही है तो इन्हें फिल्म मैं दिखा लाता हूँ। और मैडम मुझे ना चाहते हुए भी चप्पू के साथ फिल्म देखने जाना पड़ा। और मैडम मैंने गप्पू जी से कहा, गप्पू जी मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलिए ना प्लीज। तो चप्पू ने फिर कहा, गप्पू मैं खुली आंखों से फ्यूचर देख रहा हूँ तुम्हारा, तुम इन्हें आइसक्रीम खिलाने मत लेके जाना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मैडम मुझे फिर ना चाहते हुए उनके दोस्त चप्पू के साथ जाके आइसक्रीम खानी पड़ी।
अरे एक मिनट, तैने जो है लिखानी किसके खिलाफ है, एफआईआर कंप्लेंट किसके खिलाफ है थारी? अपने मंगेतर के, उसके दोस्त के? अपने होने वाले हस्बैंड के दोस्त चप्पू के खिलाफ। चलो भैया इसकी जो है एफआईआर लिखो और दोनों ने बुलवाओ जरा, गप्पू चप्पू दोनों ने। ओके भैया जी, दो मीठे पान देना शर्मा के। हवलदार गुलगुले जी, हाँ 4 समोसे गर्मा गर्म। ठीक है अभी लेके आता हूँ। मुक्त खोर, अब तक 3000 समोसे हजम कर चुका है और मुक्त में पैसा देने का नाम नहीं। थैंक यू शर्मा के। चप्पू हो गया, पान आ गया शर्मा के। चले चलो चलते हैं। आंख फड़क उठी फुर्सत में। चलो चलो। बुलाया है मैडम? आया है। कौन है? कह रहा है बुलाया है। ओह, लेट मी टेक अ वाइल्ड गेस। ये है वो बेतोड़ जोड़ी ऑफ गप्पू एंड चप्पू है, am I wrong? तुम में से गप्पू कौन है? जी मैं गप्पू शर्मा, शर्मा के। किसी भेंडी नाम की छोरी ने जाना है तू? नहीं, भिंडी को जानता हूँ, उसके साथ मेरी शादी होने वाली है शर्मा के। और तू फूटेगा अपना इंट्रोडक्शन अपने मुंह से? या तेने उल्टा लटका के उगलवाऊ? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम, आंख फड़क उठी फुर्सत में। दरअसल मैं गप्पू का दोस्त हूँ, चप्पू, चप्पू चिरौंजी। मैडम यहाँ से फोन आया था कि आपने हमें बुलाया है तो हम लोग आ गए शर्मा के। ऐसा है तुम्हारी वो जो है ना होने वाली लिटिल हाफ टिकट, अपना छोटा चेतन, छोटा पैकेट। आई 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 आई। भाई वो आई थी यहाँ ठाणे में और वो कह रही है कि थारा जो दोस्त चप्पू है ना, इसके खिलाफ उसने एफआईआर लिखाई है। भाई उसके अकॉर्डिंग तू जो है अपने सारे काम अपने दोस्त से पूछ के करता है और इस चक्कर में तैने उसके रोमांस के फूल मुरझा रखे। हाँ, और उसने हमें ये भी बताया कि तुम ऐसा मानते हो कि तुम फ्यूचर देख सकते हो, तुम बता सकते हो कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमने देखी है वो 100 डेज फिल्म, ये सब फिल्मों में होता है, असली में ऐसा कुछ नहीं होता। होता है, ऐसा होता है। आप ये भला कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता? आंख फड़क उठी फुर्सत में। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब होता है, फ्यूचर दिखाई देता है, भविष्य में क्या होने वाला है वो पता चल जाता है। अरे मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं देख सकता हूं। मैं ये भी बता सकता हूं कि इस चौकी में थोड़ी देर में क्या होने वाला है, आंख फड़क उठी फुर्सत में। बताइए जरा फिर। हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आंख फड़क उठी फुर्सत में। हाँ, इस चौकी में थोड़ी देर में गर्मा गर्म समोसे आने वाले हैं। मैं ये भी बता सकता हूं कि कितने समोसे आने वाले हैं। कितने आने वाले? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 4। चार गर्मा गर्म समोसे आने वाले हैं इस चौकी में, आंख फड़क उठी फुर्सत में। अरे गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी कमाल। अरे मैडम ये गुरुजी है मैडम। अरे कैसे आपने? मैडम मैंने सचमुच मैंने समोसे मंगाए हैं मैडम चौकी में, मैंने ही फोन किया था और समोसे मंगाए थे और वो भी एग्जैक्टली 4। इनको पता है? वेल टोल्ड मी मेरे आका, क्या फिट हो पाएगा लप्पी लूथरा से मेरा टांका? मैं लप्पर बजाऊंगी खींच के दोनों को एक एक। क्या फर्क है तुम दोनों में और इस सरमे में? इसकी बात सुन रहे हो दोनों? अरे मैडम लेकिन मैंने सच में समोसे मंगाए हैं। लेकिन लेकिन तुम्हें वो समोसे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अगर तुम वो समोसे खाओगे तो तुम इस दुनिया से चल बसोगे। आंख फड़क उठी फुर्सत में।
बल्कि तुम्हें वो समोसे किसी ऐसे आदमी को दे देने चाहिए जिसकी दाई आंख फड़क रही हो ठीक वैसे जैसे मेरी फड़कती है। हाँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अरे लेकिन समोसे मैंने अपने लिए मंगाए। सोच लो, समोसे चाहिए या सांसें। साहब जी, आपने 4 समोसे गर्मा गर्म मंगाए थे, वो लेके आया हूँ, उसके साथ में हरी मिर्च। हाँ वो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, इनको दे दो, इनकी आंख फड़कती है। अरे मैडम क्या देखा तुक्के थारे सही बैठ गए तो अपने आप को 30 मार खा समझने लग गया तू। और तू सर में, अबे हर काम जो है बीवी को आइसक्रीम होने वाली को आइसक्रीम खिलानी है या फिल्म दिखानी है सब इससे पूछ के कर रहा है। शादी में सुहाग, रात में घूंघट भी इससे पूछ के खुलवाएगा। जी शर्मा के, क्योंकि जब भी मैंने इसकी बात नहीं मानी है ना तभी तभी मुझे नुकसान उठाना पड़ा है शर्मा के। आज के बाद अगर तैने इसकी बात मानी तो नुकसान में गिरेगा तू, वो भी भारी। ठीक है गप्पू, आज के बाद तू मेरी कोई बात मत मानना, और वैसे भी मैंने तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं की है कि मेरी बात मानो। आंख फड़क उठी फुर्सत में मैं जा रहा हूं, और जाते जाते मैं तुम्हें यह भी नहीं बताऊंगा कि आज चिटपुटिया गंज चौराहे के पास तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अगर तेने उसकी बात मानी ना अपने दोस्त की तो समोसे में पूर के तेने खा जाऊंगी मैं, समझा? निकल यहां से। समोसे तो खा। क्या बात कर रहे हो यार? सही बात कर रहा हूँ सर। सर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, और जानता क्या हूँ सर, मेरा दोस्त बन गया है वो सर। सर वो फ्यूचर बता सकता है सर, और वो भी खुली आंखों से देखकर। अच्छा अच्छा, तो क्या करें है? क्या करें? देखो ये सब बातों में हमें इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। ठीक है सर, मैं तो बस यूं ही। अब इधर रुको, हमें जरा मिला उससे एक बार। पसंद नहीं है से सीधा मिलवाओ। खैर सर, मिलवाना थोड़ा प्रॉब्लम है सर। सर वो मिलता नहीं है सर किसी से, वो सिर्फ मुझसे मिलता है सर। क्योंकि क्या है कि वो मुझे जानता है, पहचानता है, और वक्त के साथ क्या एक रिलेशनशिप सा डेवलप हो गया है सर, दोस्त हो गए ना हम लोग। लेकिन सर अगर आपके कोई ऐसे सवाल हैं जैसे कि मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, मनचाही लड़की से होगी या नहीं होगी, ऐसे सवाल आप पूछ सकते हैं सर, मैं आपके बिहाफ पे पूछ लूंगा। प्लीज कीप क्वाइट, हम ऐसे बेहूदे से सवाल नहीं पूछने। चुप कर जा सवाल। हमें 3 सिंपल सवाल पूछने बस। हमारी शादी कब होगी, किससे होगी, मनचाही लड़की से होगी या नहीं होगी, बस 3 सिंपल सवाल पूछने। ठीक है सर, पूछ लूंगा। 500 रुपए निकालिए सर। क्यों बे, किस बात के? आपके जज्बात के, जो उसके सामने मैं ऐसे उड़ेलूंगा जैसे कनस्तर से कड़ाई में कोई हलवाई तेल उड़ेलता है सर। सर वैसे एक एक सवाल का 500 रुपया लेता है सर वो, और आपके तो 3 सवाल है, तो 3 सवाल का हो गया 1500 रुपया सर, 1500 रुपीज। लेकिन सर क्योंकि हमारा एक रिलेशनशिप है, दोस्ती है, इसके लिए ये काम मैं आपका 500 में करा दूंगा। डिस्काउंट? डिस्काउंट सर, आई लव डिस्काउंट। ये तो 500 रुपये है। सुनो ना, हो सके तो 450 में जरा पटा लेना ना उसको, डिस्काउंट और डिस्काउंट। ये लो ये लो, ऐश करो ऐश करो। और सुनो, उसे पूछना कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा, क्या होगा, अपनी खुली आंखों से क्या देखता है वो। सर पूछता हूँ सर, बताऊंगा सर आपको। थैंक यू। 450 में कोशिश। वैसे हम जानते हैं हमारे बारे में क्या कहेगा अपनी खुली आंखों से, कि हमारी शादी होगी, जल्द होगी, अपनी मनपसंद कन्या से होगी, चंदू चोटू से होगी। फिर काट दिया। मैम
हेलो हाय मैम कहाँ हैं? अरे मैडम बस मैं हूँ भिंडी मैं हूँ भिंडी गोल है हमारी भिंडी मैम फूल मुरझा गए क्यों भैया क्यों मुरझा गए सारे फूल दरअसल मैम आपने वो मेरे होने वाले हस्बैंड गप्पू जी और उनके दोस्त चप्पू को बुलाया था ना पुलिस स्टेशन बस मैम फूल मुरझा गए अरे हाँ बुलाया था और उस चप्पू को चेतावनी भी दी है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना तो मैडम उसका बैंड बजा देंगी बस बस मैम इसी वजह से मैम वो मुझसे चिड़ा हुआ बैठा चप्पू और मैम उसके अंदर तो पानीपत का युद्ध छिड़ गया है कि मेरी हिम्मत कैसे हुई FIR लिखाने की उसके खिलाफ और आपसे उसको डांट पड़वाने की मैम फूल मुरझा गए Well, खुल के कहो क्या है बात इज़दा दिन के बाद आती है रात इज़दा गुड डे दद्दू यू जस्ट कीप क्वाइट चुप होके बैठो दद्दू मैम पता है उसने ना मुझसे चिड़के कैसा बदला लिया कैसा मैम पता है उसने ना मेरे होने वाले हस्बैंड गप्पू जी से कहा गप्पू मैं खुली आंखों से तुम्हारा फ्यूचर देख रहा हूँ कि ये वो लड़की नहीं है जिससे तुम्हारी शादी होनी है गप्पू तुम पिछले जन्म में पपीतागंज के राजकुमार थे और तुम्हारी शादी किसी राजकुमारी से होने वाली थी ये वो लड़की नहीं है गप्पू तुम्हारी शादी उस जन्म में तो हो नहीं सकी इसलिए वो राजकुमारी इस जन्म में तुम्हें ढूंढते हुए आएगी और तुमसे शादी करेगी मैम इसी वजह से मेरे गप्पू जी मुझसे मिलजुल भी नहीं रहे इवन देन मैम मेरे सारे फोन काट रहे हैं मैम व्हाट दिस नॉनसेंस आई एम सो वरीड मैम फूल मुरझा गए hey, hey! इसका मतलब यो है कि उस चप्पू ने मन ने ओपन चैलेंज दिया है सोचिए वरना फूल मुरझा गए ये जो दो बालक यहाँ बैठे हैं सोच की मुद्रा में तने के लगता है यो के सोच रहे हैं यू मीन फेस रीडिंग ओके मैम मैम ओ दद्दू को देख के ऐसा लग रहा है जैसे 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 वो किसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं और रही बात इनकी तो ये महाशय तो ऐसे लग रहे हैं अपने फेस से इनका फेस देख के ऐसा लग रहा है मैडम कि जन्म जन्मांतर के भूखे प्यासे हैं और सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे हैं एम आई राइट मैम फूल मुरझा गए करेक्ट भाई यो एकदम सही कहा राइट मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली है मैडम अरे ये आप क्या कह रही हैं मैडम मैं तो इतना सोच सोच के मतलब एकदम केस के बारे में ही सोच रहा हूँ मैडम और आप कह रही हैं मैं खाने पीने के बारे में सोच रहा हूँ वेल मॉम आई इज नॉट थिंकिंग अबाउट मलिका लप्पी कटरीना इज द पवन करे शोर जब आए सावन का महीना इज द पवन नहीं शोर करेगा तू जब मैं करूंगी थारी सुताई दो घंटे से यहाँ जो है जम के बिल्कुल मजबूत जोड़ बन के बैठा है ये नहीं कि एक लाइन फूट ले कोई जो है कल की आईडीए की चटकारे ले रहा है बस यहाँ बैठा बैठा बिल्कुल ही और तू अगर थारे दिमाग में आईडिया आने बंद हो गए हैं तो मैं थारा सर खोल के थारे दिमाग ने निकाल के छत पे जो है उसे अचार के संग बिछा दूं सूखने के लिए मैडम इतनी देर से सोच ही तो रहा हूँ आईडिया आ नहीं रहा है तो क्या करूं मैं करती हूँ कुछ आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टहल टहलाऊ बात बनाऊ आइडिया आ रहा है तो तैने दुनिया से टहला दूंगी फिर देगा आइडिया हाँ तो जरा कोने में तो आइए मतलब सुनिए मैडम आइडिया कुछ ऐसा है कि वो जो चप्पू है वो गप्पू से कह रहा है कि वो गप्पू भिंडी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो पिछले जन्म में एक राजकुमार था और पिछले जन्म में उसकी एक राजकुमारी भी थी और वो पिछले जन्म में मिल नहीं पाए और वो ये भी कह रहा है कि इस जन्म में उसे वो राजकुमारी मिलने वाली है
तो ठीक है ना मैडम, राजकुमारी को उससे मिला देते। मिलवा देते राजकुमारी को। हाय बड़े मैडम, देखिए यहाँ तो मेरी शादी का साबुदाना पक भी नहीं पा रहा है, और ये कह रहे बुझा दो चूल्हा, बना दो गप्पू जी को राजकुमारी का दूल्हा। वैसे मैडम सच ये है कि प्यार के झूले गप्पू जी मेरे ही संग झूले, या मैम फूल मुरझा गए। Well baby, let her finish is the I like आलू के साथ Spanish is the you know आलू पालक no carry on बालक। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने पूरा आइडिया दिया ही कहाँ है और आप बीच में यूँ करने लग गई। मैडम असली आइडिया ये है कि योर आइडिया गुड सर। बस इब हम जैसा कहते हैं तू वैसा कर, और देख कैसे फंसता है वो चप्पू।